सुदीप जी ने सेट पे हर कलाकार को उसके कैरेक्टर के दायरे के अंदर फ्रीडम दी है कि आप क्या करना चाहते हैं, और उसमें जो इन्होंने एक समझदार डायरेक्टर की तरह से कोई जिद नहीं की, छान लिया कि ये अच्छा है फिल्म के लिए, बोले आप ये कर सकते हैं, उससे कैरेक्टर सब कैरेक्टर्स बहुत उभर कर आए। एक बात, दूसरी बात जो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, हालांकि ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए पर मैं बोलूँगा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, इनकी राइटिंग इतनी अच्छी है ना, इतना बढ़िया लिखते हैं डायलॉग वगैरह ये, कि उसमें आपको कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। जैसे इन्होंने बताया, मैंने नहीं कहा था ऐसा, वैसे शायद कहा भी हो कि इस कैरेक्टर को मैं ही करूँगा जब भी फिल्म बनेगी, वरना मैं आपकी हत्या कर दूँगा, तो आज मैं बोल रहा हूँ अगर उन्होंने कोई भी फिल्म मेरे बगैर बनाई तो मैं इनकी वाकई हत्या कर दूँगा। कैमरा पे बोल रहा हूँ, ऐसा ना कोई और मार दे सारा मेरे घर पड़ जाए, कोई फिल्म नहीं बनेगी। ये बहुत अच्छे प्यारे इंसान है, बहुत मजा आया। जीत उपेंद्र जी का जहाँ तक सवाल है, उनकी पहली हिंदी फिल्म जीत बाबू शायद वही थी, डॉन टू, डॉन टू इनकी पहली फिल्म थी जिसमें कि सब गाने बहुत पॉपुलर थे, वो हवा हवा है वह ए हवा, वो पाकिस्तानी सिंगर के सब इन्हीं के ऊपर पिक्चर आई हुए थे, हीरो थे। उस फिल्म में भी मैंने उनके साथ काम किया था, इनकी पहली फिल्म में भी। और मुझे एक बहुत खुशी होती है एक बात की, क्योंकि हर फिल्म में विलेन लोग कहें पिटते ही हीरो से बाद में, तो ज़्यादातर फिल्मों में पिटे हैं, तो मैंने 3 हीरो की पिटाई की फिल्मों में। जो मुझे अभी एयरपोर्ट में कहीं शूटिंग के लिए गया था तो एयरपोर्ट पे एक पुलिस वाले बोला, अब वही तो नहीं जो उस फिल्म में अजय देवगन की पिटाई करते, मैंने कहा बिल्कुल वही हूँ भाई, भाई जोर से पूछ तो सारे सुने कि मैंने पिटाई करी अजय देवगन की, अजय देवगन, दूसरा सुनील शेट्टी, सुनील शेट्टी मुझे बोले एक फिल्म की कृष्णा, तो उसमें एक्शन था, मैं एक तरफ वन साइडेड में उसको मारता हूँ, तो इंटरवल में बोले, वो जब लंच हुआ तो बोले सुनील कि ब्रिज जी आज पहली बार मालूम पड़ा कि आप विलन लोग कैसे काम करते हो। तीसरी खुशी मुझे इस बात की, ये हीरो हैं हमारे यहाँ बैठे, बहुत प्यारे इंसान हैं जीत उपेंद्र, इनकी मैंने उस पर पिटाई की थी डॉन में, तो इनके साथ अच्छा रहा। शिवा बहुत अच्छे दोस्त, इनके साथ भी पहले काम किया है, तेजू के साथ बहुत बरसों से, तेजू मेरे पड़ोसी भी रहे हैं पहले, तो सबसे परिवार की तरह से संबंध रहे और अच्छा काम करने को मिला। धन्यवाद तो सुदीप जी, मैंने बताया कि सुदीप जी ने सेट पे हर कलाकार को उसके कैरेक्टर के दायरे के अंदर फ्रीडम दी है कि आप क्या करना चाहते हैं, और उसमें जो इन्होंने एक समझदार डायरेक्टर की तरह से कोई जिद नहीं की, छान लिया कि ये अच्छा है फिल्म के लिए, बोले आप ये कर सकते हैं, उससे कैरेक्टर्स सब कैरेक्टर्स बहुत उभर कर आए। एक बात, दूसरी बात जो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, हालांकि ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए पर मैं बोलूँगा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, इनकी राइटिंग इतनी अच्छी है ना, इतना बढ़िया लिखते हैं डायलॉग वगैरह ये, कि उसमें आपको कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। जैसे इन्होंने बताया, मैंने नहीं कहा था ऐसा, वैसे शायद कहा भी हो कि इस कैरेक्टर को मैं ही करूँगा जब भी फिल्म बनेगी, वरना मैं आपकी हत्या कर दूँगा, तो आज मैं बोल रहा हूँ अगर उन्होंने कोई भी फिल्म मेरे बगैर बनाई तो मैं इनकी वाकई हत्या कर दूँगा। कैमरा पे बोल रहा हूँ, ऐसा ना कोई और मार दे सारा मेरे घर पड़ जाए, कोई फिल्म नहीं बनेगी। ये बहुत अच्छे प्यारे इंसान है, बहुत मजा आया। जीत उपेंद्र जी का जहाँ तक सवाल है, उनकी पहली हिंदी फिल्म जीत बाबू शायद वही थी, डॉन टू, डॉन टू इनकी पहली फिल्म थी जिसमें कि सब गाने बहुत पॉपुलर थे, वो हवा हवा है वह ए हवा, वो पाकिस्तानी सिंगर के सब इन्हीं के ऊपर पिक्चर आई हुए थे, हीरो थे। उस फिल्म में भी मैंने उनके साथ काम किया था, इनकी पहली फिल्म में भी। और मुझे एक बहुत खुशी होती है एक बात की, क्योंकि हर फिल्म में विलेन लोग कहें पिटते ही हीरो से बाद में, तो ज़्यादातर फिल्मों में पिटे हैं, तो मैंने 3 हीरो की पिटाई की फिल्मों में। जो मुझे अभी एयरपोर्ट में कहीं शूटिंग के लिए गया था तो एयरपोर्ट पे एक पुलिस वाले बोला, अब वही तो नहीं जो उस फिल्म में अजय देवगन की पिटाई करते, मैंने कहा बिल्कुल वही हूँ भाई, भाई जोर से पूछ तो सारे सुने कि मैंने पिटाई करी अजय देवगन की। अजय देवगन, दूसरा सुनील शेट्टी, सुनील शेट्टी मुझे बोले एक फिल्म की कृष्णा, तो उसमें एक्शन था, मैं एक तरफ वन साइडेड में उसको मारता हूँ, तो इंटरवल में बोले, वो जब लंच हुआ तो बोले सुनील कि ब्रिज जी आज पहली बार मालूम पड़ा कि आप विलन लोग कैसे काम करते हो। तीसरी खुशी मुझे इस बात की, ये हीरो हैं हमारे यहाँ बैठे, बहुत प्यारे इंसान हैं जीत उपेंद्र, इनकी मैंने उस पर पिटाई की थी डॉन में, तो इनके साथ अच्छा रहा। शिवा बहुत अच्छे दोस्त, इनके साथ भी पहले काम किया है, तेजू के साथ बहुत बरसों से, तेजू मेरे पड़ोसी भी रहे हैं पहले, तो सबसे परिवार की तरह से संबंध रहे। ऐसा है कि मैं प्रोड्यूसर का टेंशन मुझे कम ही रहा, मैं एक्टिंग में ही ज़्यादा ध्यान दे पाई, क्योंकि मेरे जो टीम है टेक्निकल टीम और मेरे प्रोडक्शन की टीम, वो मुझे कभी सेट पर नहीं परेशान करते थे कभी। सर आपसे जानना चाहूँगा, पुलिस ऑफिसर के किरदार में क्या क्या तैयारी करनी पड़ी और क्या क्या प्रिपरेशन लगी, अगर उस बारे में कुछ बताएं।
तैयारी तो इतना ही था कि आई जस्ट फॉलोड सुदीप दा, माई डायरेक्टर. उन्होंने जैसे बोला आई ट्राई टू डू दैट. ऑल्सो हमने देखा कि अभी रिसेंट टाइम में बहुत सारी जो पुलिस से रिलेटेड पिक्चर आई है, जैसे सिंगम की बात करें, दबंग की बात करें, अगर उस बारे में कुछ बताए कि ये पुलिस ऑफिसर उन पुलिस ऑफिसर से कैसे डिफरेंट है, और अगर थोड़ा सा बताए इसमें. सुदीप दा वॉन्टेड दिस कैरेक्टर टू बी मोर रियल एंड ओवर द टॉप नहीं है, तो डेफिनेटली एक डिफरेंस तो है. लेट्स होप पीपल लाइक इट. एक्शन काफ़ी रियल लग रहा है, अगर उस बारे में कुछ बताए कि बिहाइंड द सीन किस तरह का माहौल था. और बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द सीन्स तो बहुत अच्छा माहौल था. इट वॉज लाइक अ फैमिली. एंड एक्शन जैसे मास्टर जी ने बताया वैसे किया. एंड वी स्टक टू द 90s स्टाइल ऑफ फाइटिंग. जैसे पार्ट टू में इट इज़ लाइक 2015 के हिसाब से फाइट सीक्वेंसेस हुए, बट 90s में जिस टाइप के फाइट्स थे और पंचेस थे उसी स्टाइल में रखे. आपसे जानना चाहूँगा, इन दिनों जो एक्ट्रेस जो है चेंजेस, खुद में चेंजेस करने को थोड़ा डरती है, आपने जो है अपना वेट भी कम किया और इतना अच्छा किरदार भी निभाया, अगर कुछ बताए उस बारे में, वो प्रोसेस के बारे में अगर बात करें, और अगर बताए कि कितना ज़रूरी है ये करना कि किरदार को लेके किस तरह की प्रिपरेशन की जाए. किरदार को लेके असल में अगर कोई आर्टिस्ट है, कोई भी परफॉर्मर है, तो उसको जब कोई किरदार दिया जाता है, कंसेप्शन होता है राइटर का, डायरेक्टर का, तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए एज अ ओबीडियंट स्टूडेंट. अगर वो बोलते हैं कि ये करना है, अगर आप उस कैरेक्टर को करने के लिए राज़ी होते हैं, तो अगर डायरेक्टर बोलते हैं कि इसके लिए मुझे ये चाहिए, मुझे आपका वेट पुट ऑन करना है, या आपको नेचुरल दिखना है, घरेलू दिखना है, सो वो पैटर्न आपको फॉलो करना चाहिए. हमने गाना देखे, केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है आप दोनों की, अगर उस बारे में कुछ बात करें आप लोग की किस तरह की बॉन्डिंग थी ऑन सेट. अगर वी हैव बीन क्वाइट फ्रेंडली, तो एकदम कंफर्टेबल. मैम आप अगर कुछ बताएं केमिस्ट्री के बारे में. बस केमिस्ट्री तो वही, एक दूसरे को बहुत पहले से ही हम लोग जानते हैं. सुदीप जी के बहुत पुराने दोस्त हैं जीत जी, और जीत जी को तो मैं कॉलेज टाइम से ही मतलब फिल्मों में देखती थी, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनके अपोजिट काम करूँ. जी मैम, ये जानना चाहूँगा आज का पल क्या भावुक पल है. मेरे पापा नहीं रहे, 29 मार्च को वो चले गए. वो नहीं रहते तो ये फिल्म नहीं बनती, और वो हमेशा यही कहते थे, मतलब बीच में कोरोना आ गया था ना, कि फिल्म को रिलीज़ करो, ये उनका ये था, सपना था. तो अभी तो वो नहीं है, मम्मी तो 10 साल पहले चली गई. पापा थे, वो पूरा सपोर्ट रहता था, क्योंकि सेट पे वो हमेशा रहते थे, और सबके साथ वो बहुत फ्रेंडली थे, सब उनको पसंद करते थे, तो बस वो नहीं रहे, बस उनका आशीर्वाद. मैम लास्टली, फिल्म कब रिलीज़ करने का प्लान है. 22 सितंबर. थैंक यू सो मच का मिला है. आज सुबह 12:30 बजे कन्नड़ वर्जन की एप्लीकेशन गई है, इसके बाद मलयालम है. कभी कन्नड़ का ही सर्टिफिकेट टाइम पे मिलेगा कि नहीं हमें मालूम नहीं है, तो मलयालम तो अभी सोच ही नहीं रहा हूँ, तो थोड़ा उसमें फंसा हुआ हूँ अभी. खुशी हो जाती अगर वो सब एक साथ हो जाता, क्योंकि हमने 12 अगस्त को अप्लाई की थी, बट कल जाके हमको हिंदी का मिला सिर्फ ओनली. कन्नड़ अभी आज अप्लाई हुआ, क्योंकि जब तक मदर वर्जन सेंसर नहीं होके सर्टिफिकेट. आजकल OTT का चल रहा है, क्या OTT सर इट्स अ जनरल प्रोसेस में, जब आगे जाएगा 2-3 महीने 4 महीने बाद तब सर OTT आएगी, अभी राइट नाउ तो नहीं. और इसके अलावा क्या मतलब, ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट है ही जी, दूसरा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं. कोई पार्ट टू आपको दिखाया, वो भी रिलीज पे 8 मार्च, वो भी तैयारी है. दो चट्टानों की एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव है वो मैं प्ले कर रहा हूँ, और मेन विलन ही समझ लीजिए इसको. सुदीप ने जब स्टोरी मुझे सुनाई थी तो बहुत ही अच्छी लगी, मैंने तो उसको स्ट्रेट हाँ कर दी, क्योंकि इतना पावरफुल रोल है कि जो अब मैं रिवील नहीं करना चाहता कि चट्टान वन में उसका एंड क्या है, क्योंकि ये कैरेक्टर जो है पार्ट टू में भी सर्वाइव करता है, मतलब पार्ट वन में कितना हैवी होगा वो आप लोगों के ऊपर देख के मालूम पड़ जाएगा. सर आप क्या कहना चाहेंगे चट्टान के बारे में, आप दोनों की जुगलबंदी बहुत सारी फिल्मों में हमने देखी है, इस फिल्म में अगर किरदार के बारे में बताएं और तैयारी क्या करनी पड़ेगी सर. मेरी किरदार के बारे में तो ये था कि जब दादा ने मुझे बताया कि आप ये रोल कर रहे हैं तो वेरी मच पॉजिटिव,
और दूसरी बात ये कि तो मेरा ये सवाल था कि आपने मुझे क्यों चुना, तो उन्होंने बताया कि जीत उपेंद्र एक चट्टान का कैरेक्टर है, एक चट्टान दूसरे चट्टान के साथ टकराता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो जीत का सुपीरियर है, मतलब पुलिस फोर्स में वो उसका बॉस है ना, तो उसका भी इतना ही पावरफुल पर्सनैलिटी होना चाहिए कि जिसके अंडर में ही अगर चट्टान जैसा कैरेक्टर है तो बॉस भी इतना ही पावरफुल होना चाहिए कि स्क्रीन पे एक अथॉरिटी लगनी चाहिए एंड इज कम्प्लीटली पॉजिटिव। जो सेकेंड हाफ में जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें डेफिनेटली वो रजनीका जी को सपोर्ट करता है एंड उस चट्टान को और बढ़ावा देता है। तो जितना नेगेटिव फोर्स पावरफुल हो उतना ही पॉजिटिव पावरफुल होता है। तो कहने का मतलब है कि जितना बड़ा चट्टान सामने वो चट्टान बनना जरूरी है, चाहे वो एक हाथ हो, दो हाथ हो या पांच हाथ। तो ये बेसिकली इट्स अ रिवेंज स्टोरी एंड 90s की कहानी है। तो डेफिनेटली आपने भी फिल्म देखी, गाने वाने सब इतने भी अच्छे हैं, तो बहुत ही इफेक्टिव है हर चीज़ उस किस्म से शूट की गई है। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म में एक एंटरटेनमेंट है, सारे कैरेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट है। तो आई लाइक द रोल मुझे पसंद आया एंड आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं सुदीप दा के साथ काम करूँ। इंस्पायरिंग मेरे हिसाब से ये है कि अ वेरी ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफिसर है एंड हैज़ वेरी गुड एक्शन एंड इमोशंस। द सॉन्ग्स आर रियली वेरी गुड एंड दे आर फैंटास्टिक टू हियर। निर्माता भी हैं और अदाकारी भी, क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव था जी? अनुभव कैसा था फिल्म में जुड़ने का?